नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर होता है। इनकम टैक्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है उसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है, अन्य व्यक्तियों पर उसका भार नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। सेकेंड है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसका भार जिस व्यक्ति पर लगा जाता है उस पर न पड़ करके वह अन्य व्यक्तियों पर उसका भार हस्तांतरित कर देता है। इसके उदाहरण है विक्रय कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। जैसे हम विक्रेता से शॉपकीपर से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु की कीमत में उसका टैक्स जुड़ा होता है और वह उस कर की राशि को स्वयं भुगतान करता है, परंतु वह वसूली हम लोगों से करता है। इस प्रकार विक्रय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष होते हैं। जिस व्यक्ति पर उसे लगा जाता है उसका भुगतान तो उन्हीं व्यक्तियों को करना होता है, किंतु वह उनका भार अन्य व्यक्तियों पर डालता है, अर्थात वह उनकी वसूली अन्य व्यक्तियों से करता है और फिर सरकार को वसूली संग्रह करके आगे भुगतान करता है। भारत में आयकर का इतिहास। भारत में 1860 में सर जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम आयकर लगाया था। इसके पश्चात भारत में विभिन्न अधिनियम बने हैं समय समय पर, उस अधिनियमों के तहत हमारे आयकर का संग्रहण किया जाता है। सर्वप्रथम आयकर अधिनियम 1961 बना था। उस अधिनियम के तहत विभिन्न धाराएं हैं, जैसे 298 धाराएं दी गई हैं और 14 अनुसूचियाँ हैं। इनके माध्यम से ही यह पता चलता है कि करों का संग्रहण किस प्रकार किया जाएगा, इसका प्रशासनिक ढांचा कैसे होगा, कर के दंड क्या क्या होंगे आदि। हमें सारे नियम वगैरह इस अधिनियम के तहत पता चलते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के बाद हमारे देश में विभिन्न अधिनियम बने हैं, समय समय पर विभिन्न संशोधन वगैरह हुए हैं, जिससे आयकर की पूरी कार्यप्रणाली हमें ज्ञात होती है। आयकर के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, टर्म्स होती हैं, जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण टर्म है आय। आयकर अधिनियम में कर आय पर लगता है। और आय क्या होती है? आय के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं? उसमें है लाभ, लाभांश, वेतन, लॉटरी, वर्ग पहली, घोड़दौड़ की आय, साझेदार को जो भी कोई ब्याज, वेतन, कमीशन आदि प्राप्त होता है, वह सभी कुछ आय के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म है आय का उपयोग और आय का मोड। आय के उपयोग के अंतर्गत हमें आय प्राप्त होती है और हम उस आय का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को वेतन प्राप्त होता है तो वह उस वेतन का उपयोग किसी भी कार्य में करता है अपनी इच्छा अनुसार। जैसे वह उसमें से LIC में कटवाता है, PPF में जमा करवाता है या कहीं और जमा करवाता है, तो वह आय का उपयोग कहलाएगा और इस दशा में उसे पूरी राशि पर ही कर का भुगतान करना होगा। और जबकि आय का मोड इसके विपरीत है। आय के मोड में राशि आपको किसी अन्य व्यक्ति को देने के प्रयोजन से प्राप्त होती है, तो ऐसी दशा में जो आय आपको पूरी प्राप्त हुई है उस पर कर नहीं लगता है, केवल उसी पर कर लगता है जो आपकी हक में है। जैसे ए और बी किसी पुस्तक के संयुक्त लेखक हैं और ए को राशि 2000 मिलती है, 1000 उसमें से उसको बी को देने हैं, तो उसे 2000 पर कर नहीं चुकाना होगा, उसे 1000 पर ही कर चुकाना होगा, 1000 पर कर बी चुकाएगा। स्पष्ट है आय का उपयोग और आय का मोड। आय के उपयोग पर कोई कर नहीं लगता है, जबकि आय के उपयोग पर कर लगता है, जबकि आय के मोड पर कोई कर नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म है व्यक्ति। व्यक्ति कौन होगा? व्यक्ति में एक इंडिविजुअल भी शामिल होगा, फर्म होगी, कंपनी होगी, व्यक्तियों का समुदाय होगा और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय वगैरह हैं ये होंगे। स्थानीय सत्ता जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सभी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं और इन सभी को इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा।
क्लियर है? व्यक्ति की डेफिनेशन में व्यक्ति भी होगा, HUF होगा, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म होगी, कंपनी होंगे, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय वगैरह और स्थानीय सत्ता आदि सभी शामिल होंगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म है गत वर्ष। गत वर्ष क्या होता है? गत वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी आय पर कर की गणना की जाती है। जैसे वर्तमान में गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। और कर निर्धारण वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें गत वर्ष की आय पर कर लगता है, कर का निर्धारण किया जाता है जिसमें। जैसे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। इस कर निर्धारण वर्ष का गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगता है। यह एक सामान्य नियम है, गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाना होता है। किंतु इस नियम के हमारे पास कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनिवासी के समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए। यदि कोई अनिवासी है और वह भारतीय बंदरगाह से वस्तुओं को, सामान को, पशुओं को आदि को लाने ले जाने का कार्य करता है और उससे आय प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यापार की दशा में कुल जो आय प्राप्त होगी उसका 7.5% कर योग्य होगा और उस पर उसे उसी वर्ष में कर चुकाना होगा जिस वर्ष यह आय हुई है। इसका अर्थ है कि सामान्यतः तो गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है, किंतु कुछ हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हैं जब जिस वर्ष आय होती है उन्हें उसी वर्ष भुगतान करना पड़ता है, जैसे अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा आय। सेकेंड है वापस न लौट कर आने के इरादे से भारत छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है और वह यह इरादा रखता है कि वह भारत में कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तो इस दशा में जब वह भारत से बाहर जा रहा है उसे उसी वर्ष की आय पर उसे उसी वर्ष कर का भुगतान करना होगा। यदि कोई वापस न लौट कर आने के इरादे से भारत से बाहर जाता है तो। थर्ड है व्यापार बंद करने की दशा में। यदि कोई व्यक्ति व्यापार अपना बंद कर रहा है तो ऐसी दशा में उसे उसी वर्ष कर का भुगतान करना होगा जिस वर्ष वह व्यापार बंद कर रहा है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के वक्त यदि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के एक पीरियड में वह यदि 30 सितंबर को ही व्यापार बंद कर रहा है तो 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर की तक की अवधि की आय पर उसे उसी वर्ष में 19-20 में ही उसे कर का भुगतान करना होगा। वह ऐसा नहीं है कि अगले कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान करे। फोर्थ पॉइंट है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संघ का कर निर्धारण। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर का विशेष उद्देश्य के लिए संघ का निर्माण करता है, कोई समुदाय बनाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाता है, ऐसी दशा में यदि वह उसका उद्देश्य जिस वक्त पूरा हो जाता है उसे उसी वर्ष कर का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं है कि वह अगले वर्ष में जाकर पिछले वर्ष की आय पर कर का भुगतान करे। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है जब भी वह उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है उसे उसी वक्त अपनी आय की कैलकुलेशन करनी होगी और उस पर कर का भुगतान करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण। यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति का हस्तांतरण यदि किसी व्यक्ति को करता है तो इस दशा में भी उसे उसकी आय पर कर का भुगतान उसी वर्ष करना होगा, न कि अगले कर निर्धारण वर्ष में। तो क्लियर है, ये हमारा एक सामान्य नियम है कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाना पड़ता है। किंतु इसके अपवाद यह है कि गत वर्ष की आय पर उसी वर्ष में ही कर चुकाना है। इसके हमारे पास 5 पॉइंट थे, अनिवासी के संबंधी जहाज द्वारा आय, वापस न लौट कर जाने के इरादे से न आने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, व्यापार बंद करने की दशा में या किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई संघ स्थापित किया गया है और उस संघ का वह उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है तो उसे उसी वर्ष कर चुकाना होगा, और कर बचाने के उद्देश्य से यदि आप संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं तो आपको उसी वर्ष कर का भुगतान
करना होगा।